अरे ओ सेक्रेटरी जी, जरा देखो कौन अटका उसको। आप जी गणेश जी, किसी से भेंट नहीं करेंगे हम इस वक्त। गणेश जी आ रही है? नहीं, वो घर पे नहीं है। उनके लिए कोर्ट से समन आया है, इसे जरा साइन कर दीजिए। लगता है प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई आई है हमको। क्या लिखते हैं, जोर से पढ़ो। बेलिफ था, समन है कि 20 तारीख को आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा, किसी ड्रग के केस के सिलसिले में। जरूर ससरा उसी शिवराम का किया कराया है। हार का घूट बर्दाश्त नहीं हुआ तो गए मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया उसने। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए गणेश जी। अरे चिंता कैसे ना करें, चिंताजनक बात है तो चिंता करनी पड़ती है। हम एक काम करेंगे, हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देंगे कि आपका जो वो वकील है बलराज, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और वो अभी इस केस को हैंडल नहीं कर सकता। क्या होगा इससे, क्या हासिल होगा? इससे ये फायदा होगा गणेश जी कि हम 3-4 महीने बाद के डेट डिमांड कर सकते हैं। तब तक तो आपका पैर मंत्री पद के कुर्सी पे जम ही गया होगा और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फौरन चिट्ठी लिख डालो फौरन। देखा जगनिया, इसको कहते हैं काम करने का तरीका। भाई, वो सब तो ठीक है, आप जरा इधर। अरे तू सुबह से रोता ही रहेगा, क्या हुआ अब तुझे? गणेश भाई, खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अरे किस खतरे की बात कर रहा है तू? ये बात हम आपको कल रात को फोन पर बताने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि आपकी खुशी में क्यों विघ्न डालें। वो छोकरिया थी ना, वो उन बेवकूफों के हाथ से निकल गई। अब वो खुलेआम कॉलेज के कैंपस में घूम रही है। तो हम क्या करें? अरे भाई, आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ए जगनिया, अब तू ससरा दूध पीता बच्चा नहीं है, समझा? बड़ा हो गया है खैर से। सफेद कपड़े पहनकर आज से हम कोई काला काम नहीं करूंगा, ये सब तेरा जिम्मा है। अपनी खोपड़ी चला और जो उचित लगता है कर, चल जा। जी गणेश भाई, जय देवा। जय देवा। आप नहीं हो? नो, वो एक्चुअली स्नान के लिए गए हैं। कैन यू प्लीज।